हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप यू आप सब ठीक होंगे। मैं फिर से लेके आ गया हूँ एमजी कार्टून स्टोरी भूत की कहानी। आशा करता हूँ यह स्टोरी आप सबको पसंद आए। भूतिया कहानी है राजस्थान के भरतपुर में स्थित एक कारखाने की, जहाँ एक भूत ने कर्मचारी बनकर एक महीने ड्यूटी की। लेकिन जब बाद में कारखाने के मालिक को इस अद्भुत घटना के बारे में पता चला तो कारखाने का मालिक भौंका रह गए। अब मन में यह सवाल उठता है कि यह भूत कौन था? उस भूत ने एम्प्लॉय बनकर काम करने के लिए भरतपुर की इसी फैक्ट्री को क्यों चुना? उस भूत का इस फैक्ट्री से क्या संबंध था? क्या इस फैक्ट्री पर पहले से ही भूत का साया था? लोग बताते हैं कि फैक्ट्री के मालिक ने उस भूत का वेतन भी दे दिया। इस कहानी में जानेंगे वह किस तरह इस कारखाने की अविश्वसनीय भूत की कहानी, जिस किसी ने भी सुनी उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। लोग बाग फैक्ट्री की भूतिया कहानी को सुनकर एक बार इस फैक्ट्री को देखने अवश्य आए। उन्होंने वहां काम कर रहे अन्य वर्करों से पूछा कि उस भूत ने जब तक इस फैक्ट्री में काम किया तो काम करने के दौरान उसका अन्य कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार था? उस भूत ने किसी को आघात तो नहीं पहुंचाया? यह वह समय था जब कोरोना वायरस का संक्रमण चरम सीमा पर था। हर व्यक्ति इस संक्रमण से बचने का प्रयास कर रहा था, लेकिन कोरोना वायरस किसी न किसी को अपनी चपेट में ले लेता था। राजस्थान के भरतपुर की एक फैक्ट्री में विशाल जायसवाल गोपनीयता की वजह से नाम बदल दिया गया है नाम के व्यक्ति काम करते थे। वह अपनी ड्यूटी के प्रति बहुत समर्पित व्यक्ति थे। फैक्ट्री के कर्मचारी विशाल जायसवाल का व्यवहार फैक्ट्री के मालिक को ही नहीं बल्कि फैक्ट्री में काम करने वाले हर कर्मचारी को पसंद आता था। लॉकडाउन घोषित हुआ तो फैक्ट्रियां बंद हो गईं, सारा कामकाज ठप हो गया। 2-3 महीने तो फैक्ट्रियों ने अपने कर्मचारियों को घर बैठे वेतन दिया, लेकिन बिना काम के फैक्ट्री में ऐसा कितने दिन चल पाता? इसलिए अब फैक्ट्रियों ने अपने कर्मचारियों को वेतन देना भी बंद कर दिया। विशाल जायसवाल, जो भरतपुर में एक फैक्ट्री के कर्मचारी थे, लॉकडाउन के दौरान फैक्ट्री द्वारा वेतन न दिए जाने के कारण वह मायूस रहने लगे। वे प्रभु से प्रार्थना करते थे कि जल्द से जल्द लॉकडाउन समाप्त हो और ताकि वे वापस ड्यूटी पर जा सकें। लेकिन कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा था, लॉकडाउन बढ़ता जा रहा था। इस बीच एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। फैक्ट्री में काम करने वाले विशाल जायसवाल कोरोना संक्रमण से पीड़ित हो गए और बहुत कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। विशाल जायसवाल की फैक्ट्री में यह बात पहुंचा दी गई कि उनके यहां काम करने वाले कर्मचारी विशाल जायसवाल की मौत हो चुकी है। विशाल जायसवाल के परिवार में उनकी पत्नी और 2 छोटे-छोटे बच्चे थे। अब विशाल जायसवाल की मौत के बाद उनके घर का खर्चा चलना मुश्किल था। लॉकडाउन समाप्त हुआ, फैक्ट्रियों को फिर से चलाने का आदेश हो गया। राजस्थान के भरतपुर की वह फैक्ट्री भी स्टार्ट हो गई जिसमें विशाल जायसवाल काम करते थे। एक दिन फैक्ट्री के मालिक क्या देखते हैं कि ऑफिस में उनके सामने विशाल जायसवाल खड़े हैं। फैक्ट्री के मालिक ने जब विशाल जायसवाल को देखा तो वह चौंक उठे। उन्होंने विशाल जायसवाल से कहा कि तुम्हारी तो मौत की खबर हमारे पास आई थी। फैक्ट्री के मालिक के इस प्रश्न पर विशाल जायसवाल मुस्कुराकर बोले, आपसे किसी ने मजाक किया होगा। विशाल जायसवाल ने फिर कहा कि फैक्ट्री खुल गई है, मैं काम पर आ गया हूँ। इस बात पर फैक्ट्री मालिक बोले कि तुम जैसे मेहनती कर्मचारी मिलते कहाँ हैं, इसलिए हमारी फैक्ट्री के दरवाजे तुम्हारे लिए सदा ही खुले हैं, तुम आज से ही ड्यूटी पर लग जाओ। विशाल जायसवाल फैक्ट्री में काम करने लगे, लेकिन साथ काम करने वाले कर्मचारियों ने अनुभव किया कि विशाल जायसवाल का व्यवहार बदल गया है। वह मशीन पर काम करते करते अचानक गायब हो जाते थे। सबको बड़ा आश्चर्य लगता था कि अभी अभी तो विशाल जायसवाल अपनी सीट पर काम कर रहे थे, अचानक कहां चले गए? पूछने पर विशाल जायसवाल जवाब देते कि थोड़ा चहलकदमी करने बाहर चला गया था। लेकिन उनके सहकर्मियों को ऐसा लगता था कि विशाल जायसवाल झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें चलने की आहट सुनाई ही नहीं देती थी। अब विशाल जायसवाल ओवरटाइम के साथ रात दिन काम करते थे। एक बार विशाल जायसवाल से फैक्ट्री मालिक ने पूछा कि जब तुम दिन रात फैक्ट्री में काम करते हो तो ऐसे में सोते कब होगे? फैक्ट्री मालिक के इस प्रश्न पर विशाल जायसवाल हंसकर कहते कि हमारे मुकद्दर में सोना कहाँ है मालिक। वे समझ नहीं पाते थे कि विशाल जायसवाल क्या कहना चाहते हैं। उस रात फैक्ट्री के लगभग सारे एम्प्लॉय घर जा चुके थे। विशाल जायसवाल ओवरटाइम कर रहे थे कि फैक्ट्री का चौकीदार किसी काम से अंदर आया। उसने देखा विशाल जायसवाल जिस सीट पर बैठते हैं वहां एक जीर्ण शीर्ण अवस्था में कोई अजनबी सा आदमी बैठा नजर आ रहा था। यह देखकर फैक्ट्री का चौकीदार बहुत तेजी से चिल्लाता हुआ बाहर की तरफ भागा और फैक्ट्री के मालिक को अंदर लेकर आया। फैक्ट्री के मालिक जब उस चौकीदार के साथ अंदर आए तो उन्होंने देखा कि विशाल जायसवाल अपनी सीट पर बैठे काम कर रहे हैं। यह देखकर फैक्ट्री के मालिक ने चौकीदार को बहुत डांटा और उन्होंने उसे कहा कि कैसी उलझलूल बातें करने लगे हो, क्या नशा करने लगे हो, कहाँ है वह अजनबी? इस पर तो विशाल जायसवाल काम कर रहे हैं। अब चौकीदार ने सोचा शायद उसकी आंखों का भ्रम होगा। फैक्ट्री में 1 महीना काम करने के बाद विशाल जायसवाल ने फैक्ट्री आना बंद कर दिया। वह अपनी सैलरी भी नहीं ले गए थे।
फैक्ट्री के मालिक उनसे मोबाइल से संपर्क करने की कोशिश करने लगे, लेकिन विशाल जायसवाल द्वारा दिए गए नंबर पर कोई भी फोन उठता ही नहीं था। तब फैक्ट्री के मालिक ने सोचा कि विशाल जायसवाल बीमार होंगे, इसीलिए फैक्ट्री नहीं आ रहे हैं। इसलिए उन्होंने सोचा कि घर जाकर उनका हालचाल भी पूछ लूं और उनका एक महीने का वेतन भी दे आऊं। फैक्ट्री के मालिक जब विशाल जायसवाल के घर पहुंचे तो उनके घर जाकर उन्हें जो कुछ पता लगा उसे जानने के बाद में वे पसीने पसीने हो गए। विशाल जायसवाल के घर जाकर पता चला कि उनकी 3 महीने पहले ही मौत हो चुकी है। फैक्ट्री के मालिक को तो विशाल जायसवाल की पत्नी की बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। फैक्ट्री के मालिक ने विशाल जायसवाल की पत्नी को जब बताया कि उनके पति पिछले 1 महीने से फैक्ट्री में काम कर रहे थे, तो वह आश्चर्य में पड़ गई। वह सोच रहे थे कि आखिर वह कौन था जो विशाल जायसवाल के रूप में उनकी फैक्ट्री में काम कर रहा था। जब उन्होंने मन में सोचा कि हो न हो विशाल जायसवाल का भूत होगा, यह सोचकर वो अंदर तक हिल गए। फिर उन्होंने अपने आप को संभाला। फैक्ट्री मालिक ने विशाल जायसवाल की पत्नी से कहा कि बात कुछ भी हो लेकिन विशाल जायसवाल ने ड्यूटी टाइम ही नहीं बल्कि ओवर टाइम भी काम किया है, इसलिए उनका वेतन आप ले लीजिए। फैक्ट्री मालिक ने विशाल जायसवाल का वेतन ओवर टाइम मिलाकर कुल 50,000 रुपए उनकी पत्नी के हाथ में रख दिए। विशाल जायसवाल की पत्नी की आंखों से आंसू बह निकले। वह यह सोच रही थी कि एक दिन मैं बच्चों से बातें कर रही थी कि काश हमारे पास 40-50 हजार रुपए होते तो घर में ही छोटी मोटी दुकान खोल लेते। उस दिन उनके पति विशाल जायसवाल की आत्मा यह बात सुन रही थी, इसलिए 50,000 रुपए की व्यवस्था करने के लिए उनके पति ने मौत के बाद भी फैक्ट्री में काम किया ताकि उनके परिवार को सहारा मिल सके। यह कहानी आप सबको पसंद आई है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।